केजरीवाल की प्लानिंग निराली है, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान अनोखे हैं। ईडी की जांच में शामिल भी होना है लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होना है। सवाल ये भी है कि केजरीवाल कितनी जांचों का सामना करेंगे, क्योंकि शराब घोटाले के साथ ही दिल्ली में एक नया घोटाला सामने आ गया है, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक जिसकी तारीफ करते केजरीवाल थकते नहीं है, उसी मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा घोटाला सामने आया है कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही दवा घोटाला सामने आया था, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं पाई गई थी। अब मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट का मामला पकड़ा गया है, मरीजों की एंट्री में गड़बड़ी पाई गई है। ये सब कितना बड़ा मामला है वो आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि दिल्ली के LG ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट, फर्जी मोबाइल नंबर से मरीजों की एंट्री के मामले में LG विनय सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की है। सोचिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक को केजरीवाल अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहते हैं, वहां करोड़ों रुपए का घोटाला निकल आया। इस पर BJP ने चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के घोटालों की लंबी लिस्ट है, इसलिए LG साहब जांच के आदेश देते हैं। LG साहब क्या करें, बार बार जो इतने सारे स्कैम्स आ रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जलबोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम्स का घोटाला हो, चाहे वो नकली फर्जी घटिया गुणवत्ता की दवाइयों का घोटाला हो, इतनी लंबी श्रृंखला बनती जा रही है कि जांच तो अनिवार्य है और इसीलिए LG साहब को ऐसे ऑर्डर करने पड़ते हैं। फर्जी एंट्री पर लैब टेस्ट, केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक मरीजों को सस्ता इलाज देने के लिए बनवाए थे, वही मोहल्ला क्लिनिक अब CBI जांच के दायरे में आ गए हैं। LG विनय सक्सेना ने जब मोहल्ला क्लिनिक की जांच करवाई तो जो घोटाला पता चला वो हैरान करने वाला है, क्योंकि जिन मरीजों के लैब टेस्ट किए गए उनमें 11,657 मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा हुआ है, 8,251 मरीजों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं है, 3,092 मरीजों का मोबाइल नंबर 9999999999 पाया गया है, 400 मरीजों के मोबाइल नंबर की शुरुआत 12345 से हुई है, इसके अलावा 999 मोबाइल नंबर 15 से ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं, यानी एक एक मोबाइल नंबर से 15 लैब टेस्ट किए गए हैं। LG की जांच के मुताबिक ये पूरा मामला सैकड़ों करोड़ों रुपए का हो सकता है, यानी फर्जी एंट्री से टेस्ट कराए गए, बिना मरीजों के ही टेस्ट करा दिए गए, जिससे ये घोटाला हुआ है। अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी वाड़ा किया गया है, एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितना एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं, और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ये घपलेबाजी चलती रहती अगर LG विनय सक्सेना ने जांच ना कराई होती। LG विनय सक्सेना ने दिसंबर 2022 में मोहल्ला क्लिनिक में प्राइवेट संस्थानों द्वारा हो रही लैब टेस्टिंग की जांच की बात कही थी। इसी जांच में ये बात सामने आई कि मरीजों की फर्जी एंट्री के जरिए लैब टेस्ट कराए जा रहे हैं, और ये लैब टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक के साथ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी हो रहे हैं। जांच के मुताबिक ये घोटाला सैकड़ों करोड़ों रुपए का हो सकता है। इसी को लेकर BJP आरोप लगा रही है कि एक दिन में 500-500 मरीजों की लैब टेस्टिंग की गई, जबकि मोहल्ला क्लिनिक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलता है, तो इतने कम समय में इतनी लैब टेस्टिंग कैसे हो गई? एक दिन में 500-500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240, और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना।
यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो भी लैब टेस्ट होते हैं वो प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने आउटसोर्स किया है। जैसे अगर आप देखें तो केजरीवाल सरकार ने MS एग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और MS मेट्रोपोली हेल्थ केयर लिमिटेड को मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट की जिम्मेदारी दी। अगस्त 2023 में पता चला कि साउथ वेस्ट शाहदरा के 7 मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगा रहे थे। इस मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को दवाएं और डॉक्टरी सलाह डॉक्टर नहीं बल्कि वहां का स्टाफ दे रहा था, जिससे मरीजों की जान खतरे में आ सकती थी। यानी बिना मोहल्ला क्लिनिक गए डॉक्टर फर्जी तरीके से हाजिरी लगा रहे थे। इस मामले की जांच हुई और आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। जब इसी केस के दौरान और जांच की गई तो फर्जी एंट्री से लैब टेस्ट कराने की भी बात सामने आई। जुलाई से सितंबर 2023 के बीच का लैब टेस्ट का डेटा निकलवाया गया। ये लैब टेस्ट एग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोली हेल्थ केयर से करवाए गए थे। इस डेटा की जांच करने से पता चला कि लैब टेस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाले की ही तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द OLS ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल LG व्हिच कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ एक्सचेकर। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में हुए इस घोटाले पर आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच के लिए एक सिस्टम है और वो सिस्टम किसके इशारे पर काम करता है ये सभी जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयां हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर DGHS होती है, DGHS के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रेंडम चेक्स करते रहें। अभी DGHS किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है ये आप सब जानते हैं। यानी जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर इतना प्रचार किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं किसी और की है। गजब लॉजिक है। खैर, बात इतनी ही नहीं है कि फर्जी लैब टेस्ट किए गए। मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 3 साल में हुए लैब टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, वो कितने कारगर है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही मरीजों की ट्रैकिंग करने का भी कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है। LG विनय सक्सेना की जांच में सामने आई स्कैम की जांच अब CBI करेगी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।